ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वक्त मैं एक ऐसे भाई के पास मौजूद हूँ कि जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े तैयार करते हैं, बनाते हैं, पकोड़ों की रेसिपी। छोटा सा इन्होंने अपने लिए सेटअप बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन कमाल के पकोड़े बनाते हैं। इन्हीं से मैं आज पकोड़ा ट्राई कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में पकोड़े बड़े शौक से खाए जाते हैं। चले इनसे पूछते हैं कि ये पकोड़ों में ऐड क्या करते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े और साथ साथ आलू के पकोड़े ये बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? गुलजैब भाई, आप पकोड़ों में ऐसा क्या ऐड करते हैं, जायका इतना अच्छा हो जाता है? बस ये पकोड़ों का अपना एक मसाला होता है ना, स्पेशल मसाला होता है, खास मसाला होता है। अच्छा, उससे पकोड़ों का जायका बनता है। और आपकी टाइमिंग क्या है, किस वक्त सुबह यहाँ आते हैं आप? तकरीबन सुबह 9 से शाम 8 बजे तक। सुबह 9 से शाम 8 बजे तक होते हैं? रेगुलर हर दिन आते हैं, छुट्टी भी होती है अभी? कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? 6 साल हो गए। 6 साल से मुसलसल इसी जगह लगा रहे हैं? अच्छा, तो अच्छा पकौड़ा, अगर अच्छी रेसिपी, पकौड़ों की रेसिपी जो है जिसे पसंद हो, जो शौकीन हो, ट्राई करना चाहे तो वो गुलजैब भाई से ट्राई कर सकता है, जो लारी अड्डा के बिल्कुल साथ एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। रॉयल बेकर्स के सामने इनका सेटअप है और ये बनाते हैं हर टाइम गर्म पकौड़े, और ये ताज़ा पकौड़े अभी मैं भी इनसे एक लेके ट्राई कर रहा हूँ, देख लेते हैं। गुलजैब भाई एक ट्राई कर सकते हैं? चले जी एक ट्राई कर लेते हैं। बस मैं ट्राई करूँ उनका पकौड़ा, पकौड़े बनाते हैं गुलजैब भाई, एक छोटा सा जब लेकिन लाजवाब किस्म के पकौड़े बनाते हैं, ये गर्मा गर्म पकौड़े सुन लगती है।